हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? सो फर्स्टली फेयर न्यू ईयर एंड दोस्त यू डोंट नो मी, आई एम पंकज, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर। एग्जाम के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिव द क्वेश्चंस इन माइक्रो सेकंड्स, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्वेश्चन को सेकेंड में नहीं माइक्रो सेकेंड में छोड़ना है, और क्वेश्चन को छोड़ना आना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन अलग होता है, मेरा अलग है, आपका कुछ अलग हो सकता है। मैं दूसरा केस भी डिस्कस करूँगा, बट सबसे पहले बात क्वेश्चंस को छोड़ना सीखो। जो आपको नहीं आता, प्लीज़ उसके लालच में मत आओ, उस क्वेश्चन को छोड़ो। वो आपकी एक मार्क जो नेगेटिव का आएगा ना, उससे डिफरेंस बहुत ज़्यादा जाएगा। अगर आप चार पांच क्वेश्चन वैसे छोड़ते तो एक क्वेश्चन आपने पॉजिटिव से ही किया, उसके चार मार्क्स आपको मिले हैं इनडायरेक्टली। डोंट डू दैट, राइट। तो आराम से क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता, आपको भनक तक नहीं है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या करना चाह रहा है, बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई दिक्कत नहीं है। मैं 50-50 केस की सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, राइट। और बायोलॉजी में अगर आप 50-50 हो तो उस क्वेश्चन को जब की जब छोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा अटैम्प्ट नहीं करना उस क्वेश्चन, अगर आपके एनसीईआरटी की लाइन है, अगर वो आपने पढ़ी हुई है, तो आई एम डैम श्योर सेकेंड टाइम जब आप अटैम्प्ट करोगे वो क्वेश्चन आपसे होगा, लिख के ले लो, मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे बायोलॉजी में 360 out of 360 स्कोर था, बट ऐसा नहीं था कि मेरे को सारे क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में आते थे। 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने सर्कल किए थे पहली बार में, और टू बी ऑनेस्ट एग्जाम में एंट्री करते ही बायोलॉजी का जब मेरा एग्जाम मतलब पेपर आया, मैंने सब्जेक्ट्स खोले, पहले क्वेश्चन में अटक गया था और पहले क्वेश्चन मैंने सर्कल किया था, राइट। मैंने उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स छोड़ दिया था, मैंने माइक्रो सेकेंड्स नहीं सेकेंड्स छोड़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रो सेकेंड्स भी छोड़ो, राइट। सोचो ही मत कि मेरे को वो आता है या नहीं आता। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपसे पहली बार में अटैम्प्ट नहीं हो रहा बायोलॉजी का, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, क्योंकि उसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल, उसमें छोड़ दो जब तक। दूसरी बात, फिजिक्स में गलती से भी तुक्के मत मारना, बायोलॉजी में 1% के लिए चल जाएगा, क्योंकि वो +4 भी करवा सकता है। आपने जो पीछे 3-4 गलतियाँ किए हैं, हो सकता है उनकी भरपाई हो जाए, लेकिन वो केवल बायोलॉजी में करे, फिजिक्स में ऐसी गलती से भी गलती ना करे। अगर आप 100% श्योर हो तो वो ही टिक लगाए, अनलेस एंड अनटिल आपको ऐसा लगे कि भाई नहीं मेरे को तो करने ही करने, चाहे नेगेटिव हो, उस केस में मैं कुछ कहूँगा नहीं। बट प्लीज़, अगर आपको रैंकिंग चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप 4 नेगेटिव भी कर देते हो तो आपका एक पॉजिटिव आंसर जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, और रैंकिंग 4 मार्क्स पे 4000 तक नीचे जा सकती है, और लो स्कोर्स पे तो थाउजेंड्स लगा सकते हो आप, राइट। सो एक सबसे बड़ी सजेशन तो यही है कि क्वेश्चंस को माइक्रो सेकंड्स में छोड़े। दूसरी बात, अगर आप बायोलॉजी में 50-50 पर हो, अगर आपका सेकंड अटैम्प्ट हो, राइट, तो आप एक चांस ले सकते हैं। अगर दूसरे ऑप्शन पर आप 99% श्योर हो कि मेरा माइंड और दिल जो है यही कह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो हो, इसका आंसर जो है इन दो ऑप्शंस में से ये होगा। दूसरा पॉइंट, OMR भरते वक्त, मुझे नहीं पता तुम किस तरीके से भरते हो, और ना मैं बबलिंग करना सिखाऊंगा, राइट, वो सब कॉमन चीज़ें हैं, वो सबको आती है। लेकिन सजेशंस दो दे रहा हूँ, बायोलॉजी का कंप्लीट करने के बाद एक बार आप भर लो, फिर केमिस्ट्री का करने के बाद कर लो, और फिर बायोलॉजी का, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर जैसे आपके पास पेपर आया, राइट, एक ये पेज है और एक ये पेज है, तो आप इन दो पेज को करने के बाद जितने आप लगाए हैं क्वेश्चंस उनके बबल आप भर सकते हो, फिर पेज पलटो, फिर सेम ऐसे पेज आएगा, इस पेज और इस पेज के दोनों के एक साथ भर सकते हो, ये एक सजेशन रहेगी। चौथी बात, बबलिंग में गलती मत करना, क्योंकि आपकी एंटायर 2 साल की मेहनत जो है वो एक पेज डिसाइड करेगा, राइट। वो अब एक सिनेरियो होता है कि अगर बबलिंग गलत हो गई तो आपका सब कुछ 2 साल पीछे गए, राइट। 1 मिनट की देरी कर देना कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट की देरी कर देना कोई दिक्कत नहीं है, बट बबलिंग बहुत आराम से भरना, राइट। पांचवी बात, एग्जाम में स्ट्रेस मत लेना। एग्जाम के अंदर जैसे भी जाओ, बहुत टाइप के आपको स्टूडेंट्स दिखेंगे, कोई डिमोटिवेटिंग होगा, कोई खुश होगा, कोई खुश होने का नाटक कर रहा होगा, किसी भी तरीके से हो, राइट। नेगेटिव या टॉक्सिक लोगों से बात मत करना, चाहे वो पेरेंट्स हो, दोस्त हो, मैं हो, या कोई भी हो, राइट। पर्सनल मेंटरशिप वाले स्टूडेंट्स भी, मतलब मैं उन्हें बोलता हूँ, भाई अगर तुम्हें मेरे से भी टॉक्सिसिटी फील होती है, प्लीज़ डोंट टू कॉल, आई विल रिपे योर एंटायर अमाउंट, राइट। सो टॉक्सिक लोगों से प्लीज़ दूर रहो। एग्जाम के सेंटर के बाहर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव साइड भी दिखाएंगे, या फिर बाहर से तो लाइक कुछ लोगों का इंटेंशन होता है कि भाई हमारे बच्चे का हो जाए, सामने वाले का ना हो, क्योंकि सेम एरिया, सेम सिटी, सेम स्टेट, और फिर सीट्स कम होती है, तो ऐसे कुछ होता है, आप मानो या ना मानो, बट स्टिल आई विल
प्रे दैट जो डिजर्व करता है उसको सीट मिलनी चाहिए, राइट तो ये कुछ सजेशंस थी मेरी तरफ से। एंड हाँ, एग्ज़ाम के बाद जो है अच्छे से डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे कट ऑफ वगैरह, ये सब बाद की बातें हैं, राइट। सो इन चीज़ों पे वीडियो बनाने कोई फोकस बनता नहीं है, कोई मोटिव बनता नहीं है। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।